हिंदी वार्ता में आज की कहानी का शीर्षक है पेड़ की गवाही। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल एक बाग में टहल रहे थे। तभी बादशाह ने आसपास बहुत सारे कौवे देखे और कहा कि इन दिनों कौवों की संख्या अब कितनी बढ़ गई है। पूरे शहर में कितने कौवे होंगे यह जान पाना तो बहुत नामुमकिन काम होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बादशाह ने कहा, अरे बीरबल अगर आपकी बात भी मान ली जाए तो क्या आप यह बता सकते कि इस शहर में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कहा, जी हुजूर आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको इसके बारे में जरूर जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगले दिन एक व्यक्ति बीरबल के महल में आया और उसने बीरबल से कहा, हुजूर मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम नेकी राम है और मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं आपकी सहायता के बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। बीरबल ने उससे कहा, घबराइए मत आप मुझे अपनी समस्या बताइए। उस व्यक्ति ने बताया, मैं हर साल अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एक मिट्टी के घड़े में जमा करके अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे छुपा देता हूँ। लगभग 3 महीने पहले मैंने अपनी गैर हाजिरी में अपनी जमा पूंजी अपने मित्र किशोरी लाल के यहाँ रखने का फैसला किया। लाल यूँ तो बहुत धनवान है लेकिन मेरा बहुत पुराना मित्र भी है। यह सोचकर मैंने उसके घर में अपनी सारी जमा पूंजी रखने के लिए दे दी और कहा कि जब मैं तीर्थ से वापस आऊंगा तो मैं तुमसे अपना धन वापस ले लूंगा। किशोरी लाल ने कहा कि मित्र तुम आराम से जाओ, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा धन वापस दे दूंगा। नेकी राम ने आगे बताया कि जब मैं तीर्थ से वापस लौटा तो किशोरी लाल के पास अपना धन वापस लेने के लिए जैसे ही गया तो उसने धन उसके पास होने से मना कर दिया। बीरबल ने नेकी राम से पूछा कि जब आप किशोरी लाल को पैसे दे रहे थे तब वहाँ कोई मौजूद था? आपने किशोरी लाल के पैसे दिए इसका कोई गवाह है आपके पास? नेकी राम ने कहा, नहीं हुजूर। फिर बीरबल ने कहा, अगर सच में किशोरी लाल ने आपका धन लिया है तो आपको वह वापस मिल जाएगा। कल आप और किशोरी लाल दोनों शहंशाह के दरबार में पेश हो जाइए। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया कि एक आदमी आपसे इंसाफ चाहता है, वह कल एक शिकायत लेकर मेरे घर आया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके दरबार में उसे पेश करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, इजाजत है। नेकी राम और किशोरी लाल दोनों को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम दोनों में से किसे शिकायत है? नेकी राम ने सारी बात बादशाह को बताई और कैसे उसने अपनी सारी जमा पूंजी किशोरी लाल को दी और वह लौट आने से इनकार कर रहा है। बादशाह ने किशोरी लाल से पूछा, क्या यह सच कह रहा है? किशोरी लाल ने कहा, यह सब झूठ है हुजूर, मैंने इसके साथ थोड़े से ढंग से बात क्या कर ली, ये तो मुझ पर धन लेने के इल्जाम ही लगाने लगा, इसका लगाया हुआ इल्जाम सरासर गलत है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हुजूर मुझे लगता है कि नेकी राम को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गवाह को पेश करना चाहिए। लेकिन नेकी राम ने कहा कि वहां पर उस समय कोई भी उपस्थित नहीं था। बीरबल ने कहा, वहाँ कोई तो होगा पर वहाँ जो तुमने किशोरी लाल को पैसे दिए थे उस जगह जाकर किसी पेड़ पौधे या पंछी से कहिए कि वहीं आकर आपकी सच्चाई की गवाह दे और अकेले वापस मत आना। लेकिन नेकी राम उस समय रट लगाए हुए था कि महाराज वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। बादशाह ने नेकी राम से कहा, तुम्हारी अब एक और बात नहीं सुनी जाएगी, जाओ और जो भी तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे सके उसे हमारे दरबार में पेश करो। इसके बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा कि वह कौवों की गिनती का क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली बीरबल? उसके बाद बीरबल ने कहा, मेरी गिनती के मुताबिक इस शहर में कुल मिलाकर 10,551 कौवे हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें इस गिनती पर पूरा यकीन है? अगर कौवों की गिनती कम निकली तो? बीरबल ने जवाब दिया, जी हुजूर आप शौक से गिन सकते, मेरी गिनती से अगर कौवे कम या ज्यादा हुए तो वो इसलिए हो सकते है क्योंकि इस शहर से कुछ कौवे पड़ोस के इलाके में गए हैं या फिर इसलिए कि पड़ोस के इलाके के कुछ कौवे इस शहर में आए हैं। बीरबल के चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद बीरबल ने कहा, हुजूर आपको नहीं लगता कि नेकी राम को कुछ ज्यादा ही देर लग गई है? न जाने क्या समस्या हो सकती है उसे। किशोरी लाल ने एकदम से जवाब दिया कि शायद उसे मेरे पास के पीपल के पेड़ को दरबार में लाने के लिए परेशानी हो रही होगी। उसकी यह बात सुनकर बीरबल ने कहा, हुजूर यह आदमी झूठा और मक्कार है, इसे सजा दी जाए, इसे कैसे पता कि वह नेकी राम पीपल के पेड़ के दरबार में पेश करेगा, इसका मतलब है कि इसने पैसे लिए हैं। बादशाह ने कहा, किशोरी लाल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें गरीब किसान को धोखा दिया है जो तुम्हें अपने एक दोस्त समझता था। बादशाह ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि
कि किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और नेकीराम से कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि हम उसी समय समझ गए थे जब तुमने नेकीराम को किसी पेड़ पौधे या पंछी को गवाह बनाकर दरबार में पेश करने के लिए कहा था। तुमने बड़े चतुराई से किशोरी लाल से उसका गुनाह कबूल करवा लिया। शाबाश बीरबल। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले का सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। अगर आपको हमारी हिंदी वार्ता की कहानियां पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें हमारे हिंदी वार्ता की यूट्यूब चैनल को, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।